सूची जारी कर दी है। जेजेपी ने बचे 5 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अंबाला लोकसभा से किरण पूनिया ही जेजेपी की प्रत्याशी होंगी। कुरुक्षेत्र से पाला राम सैनी चुनाव लड़ेंगे। वहीं करनाल से देवेंद्र कादियान को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत लोकसभा से भूपेंद्र मलिक चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सागवान जेजेपी के प्रत्याशी होंगे। प्रथम सूची में जेजेपी ने सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार उतारे थे। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जेजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। बताएं कि करनाल से राजेंद्र मदान उर्फ रामा मदान चुनाव लड़ेंगे। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिन नामों का जिक्र आपने किया था लगभग वही नाम सामने आए हैं, यानी कि जी मीडिया की खबर का एक बार फिर से सूत्रों का जो जानकारी सामने थी उस पे मोहर। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे जी मीडिया ने कांग्रेस की लिस्ट हो, बीजेपी की लिस्ट हो और अब जेजेपी की लिस्ट हो, मुख्यतः चुनाव में जो दर्शकों को और खासतौर से हरियाणा के दर्शकों की जो डिमांड थी कि नाम थोड़ा पहले जो जानकारी जो चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो क्यूरियोसिटी होती है हरियाणा की, अलग एक दर्शक वर्ग है और वो खास तौर से पसंद करता है, तो वो जी मीडिया ने लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े हुए फैसले हैं सबसे पहले नाम रखे। हमने 5 बजे लिस्ट बताई थी, 3 नाम हमने बता दिए थे, बाकी 2 नाम भी आए हैं और जी मीडिया की खबर पे मोहर है। जिस तरह से इस लिस्ट की अगर चर्चा करें तो लिस्ट में सैनी समाज से भी है, देवेंद्र कादियान करनाल से हैं जो हमने बताया था, सोनीपत से भूपेंद्र मलिक को एक और जाट उम्मीदवार दिया है, रोहतक से जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो रविंद्र सागवान, और जो करनाल से देवेंद्र कादियान है वो उपाध्यक्ष नहीं, वो अध्यक्ष हैं यूथ के, जेजेपी युवा अध्यक्ष हैं। तो जो अपनी युवा पीढ़ी की मैं चर्चा आपसे कर रहा था इससे पहले जो हमने खबर रखी थी, उसी तरह के कैंडिडेट देने का काम किया है। सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी मंदरगढ़ में भी 2-3 सीटों पर खासतौर से युवा चेहरे देने का काम किया था। फाजिलपुरिया का जिक्र कर सकते हैं, फरीदाबाद की सीट का जिक्र कर सकते हैं, और जो अब 3-4 जो नाम है वो भी इसमें कहीं ना कहीं युवा है। तो तैयारी कहना गलत नहीं होगा, 24 में जितना असर होगा होगा, लेकिन उससे आगे की तैयारी है और 24 में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हरियाणा में जेजेपी इतनी असरदार नहीं रहेगी, उसे अपनी साख बचाकर और कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग होने के बाद जेजेपी का वजूद बनाए रखने के लिए और रिलेवेंस बनाए रखने की लड़ाई भी कहीं ना कहीं लड़नी है। करनाल से भी उपचुनाव के लिए जिस तरह से राजेंद्र मदान और रामा मदान को लड़ाया है, तो ये मैसेज देने में कोशिश कर रही है जननायक जनता पार्टी लगातार कि दे आर द सीरियस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हरियाणा, कि हम हरियाणा की सीरियस राजनीतिक दल हैं, बीजेपी से इतर भी हम अलग चल सकते हैं। हम 10 के 10 लोकसभा सीटों पर ये तंज भी कसे गए थे कि क्या जेजेपी 10 उम्मीदवार चुन पाएगी, अच्छा बुरा कितनी वोट परसेंटेज होगी ये तो मतदाता ही तय करते हैं चुनाव में, लेकिन जेजेपी का जो पहला चैलेंज था, जो लोग उनको कह रहे थे कि जिस तरह की बातें थी कि 10 उम्मीदवार मिलेंगे नहीं, और ये राजनीतिक कमेंट है, ये मैं किसी मीडिया के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक कमेंट इस तरह से किए गए थे, तो अब ये मतदाता तय करेंगे कि कौन अच्छा है, किसके साथ जाना है। लेकिन ओवरऑल अभी तक था जननायक जनता पार्टी का, और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ 4.5 साल मिलकर सरकार चलाना एक अलग विषय है, उनसे अलग हटकर अपना रिलेवेंस और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना एक अलग विषय है, और उस विषय को चलते हुए 10 के 10 उम्मीदवार लोकसभा के उतारने का काम किया। और आज महत्वपूर्ण एक खबर और है, जिस तरह से चंडीगढ़ में आपने ज्वाइनिंग देखी और ज्यादातर टूटने वाले जेजेपी के विधायक के बेटे शामिल हो गए, जेजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो बहुत बड़ी टूट का सामना जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में करना पड़ा है, और निशांत सिंह का जाना बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जब जननायक जनता पार्टी बनी और कांग्रेस में जिस तरह से गए, तो मैं दोनों चीजों को आकलन करके जो लिस्ट भी आई है और जो घटनाक्रम चंडीगढ़ का रहा है उस लिहाज से कंपेयर करके दर्शकों को समझा रहा हूँ। बिल्कुल विनोद, यानी कि एक जो अस्तित्व की लड़ाई की बात कही जा रही है जेजेपी के लिए बार बार, उसमें एक टफ कंपटीशन देते हुए इस सूची के माध्यम से जेजेपी उभर कर सामने आई है। फिलहाल विनोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये सूची जारी हो गई है जेजेपी की तरफ से।